ओम नमः शिवाय। दोस्तों, महाकाल की कृपा आप सबके ऊपर बरसती रहे, इसी कामना के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं शुरू कर रही हूँ। दोस्तों, इस चैनल पर आपको मिलेंगे पूजा पाठ व्रत त्यौहार से संबंधित सारी जानकारी। तो अगर आप लोग पूजा पाठ से जुड़ना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आप ही बहुत सारी बहनों के प्रश्न जो हैं वो इस वीडियो में ले रही हूँ। बहुत सारी बहनों के प्रश्न जो हैं वो आ रहे हैं, तो मैंने सोचा चलिए एक वीडियो जो है वो बना दिया जाए, क्योंकि बहुत सारी गलतियाँ जो हैं वो अनजाने में हो जाती हैं। कई बार बहुत सारी बहनें जो पहली बार इस व्रत को करेंगी तो उनको जानकारी जो है वो नहीं होती है। जानकारी के अभाव के कारण बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो उल्टा सीधा हो जाती हैं। तो मैंने सोचा चलिए इस पर वीडियो बना दिया जाए ताकि सारी बहनों को बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाए। कुछ प्रश्न जो है वो मैं आज के वीडियो में ले रही हूँ। पहला जो प्रश्न है वो ये है कि सर्गी करना जरूरी है और सर्गी जो है वो हमें कितने बजे करना चाहिए। तो देखिए, जो सर्गी है वो कहीं कहीं पे विधान नहीं है। जैसे कुछ राज्य हैं जहाँ पे सर्गी का विधान है और कुछ राज्य ऐसे हैं जहाँ पे सर्गी का विधान नहीं है। जो बहनें सर्गी, जिनके यहाँ परंपरा ऐसी है कि सर्गी लेने का विधान है, ऐसी बहनें सर्गी ले लें, और जिनके यहाँ सर्गी का विधान नहीं है, देखिए जिनके यहाँ चलती है ऐसी बहनें क्या करती हैं कि सुबह 3 बजे उठ के बगैर स्नान किए सर्गी खा लेती हैं, उसके बाद सो जाती हैं। और जिनके यहाँ सर्गी नहीं चलती है उनसे मैं बताना चाहूँगी कि अगर आपके यहाँ सर्गी नहीं चलती है, आप लेना चाहते हैं सर्गी, क्योंकि भाई निराजली व्रत है पूरे 24 घंटे का, तो अगर आप सर्गी लेना चाहती हैं तो सुबह 3 बजे उठकर स्नान करें, भगवान को प्रणाम करें, हो सके तो एक धूप बत्ती जलाएं, उसके बाद जो सर्गी है वो लें। सर्गी में देखिए नारियल पानी भी हो सकता है, खीरा भी हो सकता है, कुछ मिष्ठान हो सकता है। बहुत सारी बहनें हैं जो मिठाई खा के सर्गी जो है वो कर लेती हैं, मतलब एक रूप से जो सर्गी के रूप में मिठाई खा लेती हैं, नारियल पानी पी लेती हैं, बहुत सारी बहनें खीरा खा लेती हैं, बहुत सारी बहनें जूस पी लेती हैं। तो जो भी आपके शरीर के हिसाब से, मान लीजिए पानी की पूर्ति बनी रहे, उस हिसाब से आपको सर्गी जो है वो कर लेना चाहिए। और सर्गी जो है वो 4 बजे तक तो बिल्कुल कर लें, 4 बजे के बाद आप ना करें सर्गी, क्योंकि देखिए जब अभी क्या है, अभी 5 बजे सुबह हो जाती है, तो सुबह अगर आपने सर्गी कर ली तो सुबह तो हो ही गया व्रत, व्रत तो शुरू हो गया, फिर कोई मतलब नहीं बनता है। तो जितनी जल्दी हो सके उतने टाइम सर्गी खा लें, और खाने के बाद आप सो जाएं, उसके बाद सुबह नियम से जल्दी उठें और व्रत का संकल्प लें, पूजा पाठ करें, और फिर जो व्रत है उसका उसकी शुरुआत करें। इस प्रकार से जो है वो कर सकती हैं। लेकिन जिनके यहाँ सर्गी चलती है वो तो बगैर स्नान किए, भैया उनके यहाँ चलती है तो वो कर सकती हैं। दूसरा जो प्रश्न है वो ये है कि दान जो है वो कब निकालना चाहिए। देखिए बहुत सारी बहनें हैं दान के समय बहुत सारी गलतियाँ करती हैं। जैसे क्या करती हैं, जैसे शाम को जिस दिन 18 तारीख है, जिस दिन पूजा होगी शाम को प्रदोष काल में, उसी समय क्या करती हैं कि दान निकाल लेती हैं, सारी एक प्लास्टिक में बांध लिया, दाल चावल सब्जी जो भी है वो बांध लिया और मंदिर में उसी टाइम दे आती हैं। सोचती हैं सुबह का झंझट काय को पालो, इतने टाइम निपटाया और बस हो गया। तो भूलकर भी आप ऐसा काम ना करें, क्योंकि जब व्रत का पारण किया जाता है तभी जो दान पुण्य है वो निकाला जाता है, पहले से नहीं निकाला जाता है, सुबह ही दान पुण्य निकाला जाता है। जिस दिन पारण किया जाता है उस दिन दान पुण्य निकाला जाता है, पहले से जो दान जो पारण है, मान लीजिए जो दान है वो नहीं निकाला जाता है। तो जब आप मान लीजिए कि बहुत सारी बहनें हैं जो करने के डर से सोचती हैं घर में कौन फुलेरा बांधे, कौन चौकी सजाए, इससे अच्छा मंदिर चले जाओ, मंदिर में सारा श्रृंगार चढ़ाया और वहीं पर जो पूजा है वो करवाया और पंडित जी से पोथी सुन लो, जो कथा है वो सुन लो, बस आराम से घर आ जाओ। तो मैं उनसे बोलना चाहूँगी कि भाई पूरी तरीके से आप तैयार हो गए 16 श्रृंगार करके, लेकिन आप घर पे पूजा जो है वो पूरी विधिवत तरीके से करें। भले आप मंदिर जाएं, क्योंकि मंदिर जाने में अलग शांति होती है, मंदिर आप जा रही हैं तो बिल्कुल जाएं, लेकिन घर पे आप भले ही फुलेरा थोड़ा सा बांधें, आप लड़ियां थोड़ी सी लटकाएं, भले छोटी सी चौकी लगाएं, लेकिन पूरी विधिवत तरीके से पूजा जो है वो अवश्य रूप से करनी चाहिए। साथ ही साथ जो पूजा आप कर लें, घर की पूजा समाप्त हो जाए उसके बाद ही आपको मंदिर जो है वो जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने बस अब तैयार हो गए, पूरा मेकअप सेकअप हो गया, उसके बाद बस उठाया अपना सामान बस मंदिर चली गई, ना। घर के जो देव हैं, जो देवता हैं, वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। घर में पूजा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कई बार बहुत सारे ऐसे कष्ट हो जाते हैं, बहुत सारी ऐसी पीड़ाएं होती हैं, हम मंदिर नहीं जा पाते, जो हमारे घर में हैं भगवान उन्हीं के सामने हाथ जोड़ के बैठते हैं। देखिए मैं अपना खुद का बता दूँ कि मेरा स्वयं का क्या है कि कोई भी मान लीजिए
कुछ भी कोई भी दिक्कत हो जाती है, छोटी बड़ी कोई भी समस्या होती है, मेरा यही मानना है कि जो घर में भगवान है बस उनके पास जाओ, आराम से हाथ पैर जोड़ो, बस उनके पास बैठो, बस जो भी आपके मन में चल रहा है, जो भी मुझे कभी बेचैनी परेशानी कुछ भी होती है मैं तो बस उन्हीं के सामने जाती हूँ, हाथ जोड़ के बैठती हूँ, बस थोड़ी देर में मेरी जो भी पीड़ा होती है वो समाप्त हो जाती है। तो भगवान से बड़ा कोई नहीं है, भगवान की पूजा आराधना कीजिए, उनकी अर्चना वंदना कीजिए, उसके बाद ही जो घर है वो छोड़िए और फिर मंदिर जाइए, मेरा ऐसा मानना है। मंदिर में केवल पूजा करना ये उचित नहीं रहेगा, भले छोटी सी पूजा करें लेकिन घर में अवश्य रूप से करें। और हाँ, जैसे बहुत सारी बहनें हैं जो मंदिर में सिंगार चढ़ा के आ जाती हैं, फिर दूसरे दिन मान लीजिए जिस दिन पारण करना होता है उस दिन वो इतनी थकी होती हैं कि जो दान निकालती हैं उसमें अपना हाथ लगा देती हैं, किसी दूसरे के हाथ से दान जो है वो भिजवा देती हैं। तो ऐसा आप कर सकती हैं, इसमें करने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन जब आप सिंगार मंदिर में चढ़ा के आ जाती हैं ना, वो सबसे बड़ी गलती होती है। मंदिर में आप सिंगार चढ़ा के आ जाती हैं, फिर उसके बाद जो सुबह दान आप निकालती हैं वो आपके हस्बैंड या आपके ससुर सास जो भी हैं, आपने हाथ लगा दिया, वो दान सुबह मंदिर में दे आती हैं, लेकिन आप मंदिर गई नहीं, आपका सिंगार वहाँ चढ़ा हुआ है, माता गौरी से कैसे सिंगार लेंगे। उससे अच्छा है आप घर में पूजा करें, घर में माता गौरी का पूरा सिंगार चढ़ावें, सुबह पूरी विधिवत तरीके से पारण करें, माता गौरी से सिंगार लें और फिर अपने जो मांग में सिंदूर है वो लगावें और व्रत का पारण करें। सुबह भी अगर आप मंदिर जाना चाहती हैं तो बिल्कुल आप जाएं, सुबह जो भी दान दक्षिणा है जो भी आपके सामर्थ्य में है वो आप दे के आएं, मंदिर में दर्शन करके आएं, महादेव का जो आप व्रत है आपने पूरा किया, भूख प्यास बिना कोई बाधा है व्रत संपूर्ण हुआ है, उसके लिए आप भगवान को धन्यवाद बोल के बोलिए, जरूर जाइए। लेकिन घर में जैसे मान लीजिए घर में अगर आपने सिंगार नहीं चढ़ाया है, मंदिर में पूरा दान करके आ गई हैं, फिर सुबह आप जाएं, हो सकता है आप ना जाएं और बस सिंगार वो वहीं चढ़ा रहे, तो ये उचित नहीं होता है। इसलिए आप घर पे ही पूरी विधिवत तरीके से पूजा करके सिंगार जो है वो घर पे ही चढ़ावें। और जो सिंगार आप दान करना चाहती हैं, जो भी आप मान लीजिए कि ब्राह्मणी को दे रही हैं चढ़ा रही हैं, वो मंदिर में एक अलग चीज़ हो गई, लेकिन जो पार्वती माता का सिंगार है वो आप अपने घर पे ही चढ़ाइए और वही सिंगार अपनी मांग में भरिए, अपने जो भी आपने चढ़ाया है वो सब अपने घर में बैठ के आराम से कीजिए और तब व्रत का जो पारण है वो करिए। साथ ही साथ जो मंदिर है, बहुत सारी बहनों का ऐसा भी मानना है कि मंदिर जो है वो ना जरूरी है क्या, तो देखिए मंदिर जाने से मन की शांति मिलती है। और अगर आप नहीं भी जाना चाहती हैं तो ऐसा नहीं है कि नहीं, बहुत सारी बहनें जो बहुत दूर दूर रह रही हैं फ्लैट वगैरह में, मंदिर उनको पता ही नहीं है कहाँ है। जैसे बहुत बार क्या होता है बहनें अलग अलग स्टेट में, जैसे आप देख लीजिए यहाँ पंजाब वगैरह में आप आइए तो पंजाब वगैरह में क्या है कि आपको गुरुद्वारा बहुत मिल जाएंगे लेकिन मंदिर आपको ढूंढने पड़ेंगे, बहुत प्रयत्न करना पड़ेगा तब आपको मंदिर जो है वो कहीं मिलेंगे, क्योंकि मंदिर बहुत कम है यहाँ पे। तो इसलिए नहीं अगर जा पा रहे हैं किसी कारणवश तो कोई दिक्कत जो है वो नहीं है, आप घर पर पूरी विधिवत तरीके से पूजा कीजिए और जो भी दान पुण्य है वो अगर नहीं जा पा रही हैं तो किसी के हाथ से भिजवाइए और जो व्रत है उसका पारण कीजिए। तो इस प्रकार से सारी चीज़ें जो है वो कर सकती हैं। तो मैंने आपके सारे प्रश्नों का जवाब जो है वो दे दिया है। उम्मीद करती हूँ कि आपके मन में जो भी हलचल थी वो समाप्त हो गई होगी। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो मुझे सपोर्ट कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आने वाली हरतारी का तीज व्रत के लिए आप सभी माताओं बहनों को ढेर सारी शुभकामनाएं, महादेव की कृपा आपके ऊपर और आपके परिवार के ऊपर हमेशा बनी रहे, यही कामना करती हूँ। और इसी कामना के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं समाप्त करती हूँ। दोस्तों जय माता दी।